नमस्कार, नेक्स्ट 9 न्यूज नेशन में आप सभी का स्वागत। मैं आपके साथ शशांक उपाध्याय। तो पीएम नरेंद्र मोदी कांग्रेस पे तंज कसने का मौका नहीं छोड़ते हैं, और कांग्रेस की बयानबाजी भी कुछ ऐसी होती है कि खुद ही आ बैल मुझे बार वाली कहावत को सच कर देती है। जी हाँ, जिस तरह से कांग्रेस वैक्सीन को लेके तमाम बयानबाजी कर रही है, अब पीएम नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस से चुटकी यहाँ पर ली है। जी हाँ, एक बैठक में डॉक्टरों के साथ गोवा में, आपको बता दें कि वैक्सीनेशन की पहली डोज सभी लोगों को लगभग लग चुकी है। ऐसे में पीएम नरेंद्र मोदी बैठक कर रहे थे। इस दौरान डॉक्टरों के साथ बैठक में पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि कुछ लोगों को वैक्सीन का रिएक्शन हो रहा है, बड़ा तेज बुखार आ रहा है और मानसिक संतुलन हिल रहा है और राजनीतिक सरगर्मियां बढ़ रही हैं। ये बयान उन्होंने कांग्रेस पर किया है। चलिए पूरी खबर आपको विस्तार से बताते हैं, और बताते हैं वो मजाकिया अंदाज पीएम नरेंद्र मोदी का जिसमें उन्होंने कांग्रेस की चुटकी ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गोवा के हेल्थ केयर वर्कर्स और कोविड वैक्सीन के लाभार्थियों से वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए बातचीत करी। इस दौरान उन्होंने कहा कि गोवा के प्रत्येक पात्र व्यक्ति को वैक्सीन की पहली डोज लग चुकी है। कोरोना के खिलाफ लड़ाई में ये बहुत ही बड़ी बात है, इसके लिए गोवा के सभी लोगों को बहुत बहुत बधाई। इस दौरान एक समाज सेवक से बातचीत करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि देश को अगर अपने संकल्प सिद्ध करने हैं तो हमारी कोशिशों में सबके प्रयास भी बेहद जरूरी हैं। आपके प्रयास से गोवा ने वैक्सीनेशन में उपलब्धि हासिल की। आपकी तरह समाज सेवा करने वाले लाखों लोग हैं, मैं आपको बधाई देता हूं। पीएम मोदी ने एक डॉक्टर से बातचीत के दौरान कांग्रेस पर भी यहाँ पर तंज कस दिया। उन्होंने कहा कि मैंने सुना है कि कोरोना रोधी वैक्सीन लेने के बाद कुछ लोगों को इसका रिएक्शन होता है और उन्हें बुखार भी आ जाता है। ऐसा भी सुनने को मिला है कि कुछ लोगों को बेहद तेज बुखार आ जाता है और वे अपना मानसिक संतुलन तक खो बैठते हैं। मैं कोई वैज्ञानिक या डॉक्टर तो नहीं हूँ, मुझे इसकी ज़्यादा जानकारी नहीं है, इसलिए मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि कल देश भर में 2.5 करोड़ से ज़्यादा लोगों को कोरोना की वैक्सीन लगाई गई। इसके बाद वैक्सीन लगवाने वालों को बुखार आ गया, हमने सुना है। लेकिन 2.5 करोड़ वैक्सीन लगने के बाद कल रात 12 बजे के बाद राजनीतिक पार्टी को रिएक्शन आया, उनको बुखार चढ़ गया। इसका कोई लॉजिक हो सकता है क्या? गोवा के मुख्यमंत्री भी संवाद में शामिल थे। गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने कहा कि हमने कोविड वैक्सीन की पहली डोज को 100% पूरा कर दिया है। आपसे और केंद्र सरकार से सहयोग मिला, इसलिए यह हम कर पाए। हमने लगभग 42% कोविड वैक्सीन की दूसरी डोज अब तक दी है। हमने वैक्सीन की बर्बादी बिल्कुल नहीं की। इससे पहले गोवा के मुख्यमंत्री ने बताया, ये बेहद ही ज़्यादा खुशी की बात है कि मेरा मंत्रिमंडल सचिवालय से सीधे प्रधानमंत्री से बात करेगा। वह उत्तरी गोवा और दक्षिण गोवा कलेक्ट्रेट के स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों से भी बात करेंगे। साथ ही पीएम मोदी राज्य के 6 मुख्य स्थानों के लाभार्थियों से भी बात करेंगे। वह कोरोना वैक्सीन ना कि पहली खुराक के 100% टीकाकरण और राज्य में विकास के लिए गोवा को बधाई देंगे।